नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी इन दिनों मुश्किलों में घिरी हुई है। ममता बनर्जी लगातार अपने मंत्री पार्थ चटर्जी का बचाव करती नजर आ रही है, जहां पर बीते दिनों हमने देखा कि ईडी की छापेमारी में पार्थ चटर्जी की जो करीबी हैं, उनका नाम अर्पिता मुखर्जी बताया जा रहा है, उनके यहाँ से 50 करोड़ से अधिक नकदी और गहने बरामद हुए। इसके बाद से ही पश्चिम बंगाल की जनता में आक्रोश है। लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। टीएमसी की किरकिरी हो रही है, चौतरफा उनकी बुराइयां हो रही हैं और सरकार के इस खोखले पर, इस भ्रष्ट नीति का भी लोग विरोध करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पार्थ चटर्जी पर एक महिला सैंडल फेंकती नजर आ रही। तो ऐसे में अब सोशल मीडिया पर एक जुमला भी वायरल हो रहा है कि क्या पहले तो पार्थ चटर्जी ने करोड़ों खाए देश की भोली भाली जनता की, पश्चिम बंगाल के कई टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई खाई और अब चप्पल खाते नजर आ रहे। पहले आप देख लीजिए वीडियो, फिर बताते हैं कि आखिर सैंडल मारने वाली महिला ने क्या कहा। अपने नाम क्या नाम की दीदी खोला था क्या आज से दीदी खोला था क्या आज से दीदी नाम की दीदी खोला था क्या खोला था क्या आज से हम तो यार अपने नाम क्या नाम की दीदी खोला था क्या आज से दीदी खोला था क्या आज से दीदी नाम की दीदी खोला था क्या खोला था क्या आज से हम तो यार। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, महिला को इस बात का कोई दुख नहीं है, इस बात की कोई ग्लानी नहीं है कि उन्होंने एक मंत्री पर चप्पल फेंक दी, अपनी सैंडल फेंक दी, बल्कि वे कहती हुई नजर आई कि मुझे और ज्यादा खुशी होती जब ये सैंडल उनके सर पे लगती। ये गुस्सा है पूरे पश्चिम बंगाल का, ये गुस्सा है देश की भोली भाली जनता का, जिसका पैसा खा रहे थे पार्थ चटर्जी। जहां देश में और पश्चिम बंगाल में इतनी बेरोजगारी है, वहीं पर करोड़ों रुपए खाने के बाद वे वातानुकूलित कार में, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अपार्टमेंट्स पे अपार्टमेंट्स खरीदे जा रहे हैं और लगातार देश का पैसा हड़पने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में तमाम आक्रोश और महिला के आक्रोश का सामना किया पार्थ चटर्जी ने। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी को ESIC हॉस्पिटल से सुरक्षा के घेरे में ले जाया जा रहा था, उनकी जांच कराई गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके बाद से वे लगातार अस्पताल के चक्कर काटते नजर आते हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होती है। इसी बीच ये पूरा वाक्य हो गया, जहां पर महिला ने उनके सर पर सैंडल दे मारे। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है बताइएगा जरूर।